अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में मुझे बोलने की अनुमति प्रदान की। भाषण करो। नो नो नो। मैं अपने नेतृत्व के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि इस अवसर पर मुझे बोलने का उन्होंने ऐसा नहीं ये मौका दिया है। आपको समय मिलेगा तब हम बात करेंगे। नो प्लीज, हर बात का उत्तर आप तब दे देंगे। नो यस। हमें गर्व है कि भारत का लोकतंत्र विश्व में एक परिपक्व अनुकरणीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा। Wait, take that statement back. That's not right. Who has that should be expunged, madam. How can he speak like that about the Prime Minister, ma'am? I'm sorry, ma'am. No, he used the word Mosagadu. He used the word Mosagadu. I'm sorry, ma'am. He should withdraw. I will see to it. I will explain it. Yes. अगर रिकॉर्ड में है तो एक्सपेंस कर देंगे। दैट्स ऑल। आई डोंट नो। बाकी लोग भी खड़े होके व्हाट इज इट। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर ऐसे अनाप शनाप नहीं बोल सकते मैडम। रिकॉर्ड में नहीं गया है कुछ भी। आई विल सी टू इट। है तो एक्सपेंस, आई विल एक्सपेंस इट तुरंत। गलत बात है। अरे हाँ बाबा, देखेंगे ना। ओके, यस, व्हाट इज इट? प्लीज प्लीज प्लीज, चलिए रिकॉर्ड्स। दैट इज राशिद। I will go through everything, expunge the thing. कर दूँगी। महोदया, देश का संविधान बनाने वालों ने संविधान की रचना करते समय हाँ कर दूँगी इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सरकारों की गठन की प्रक्रिया के साथ ही और इसकी निरंतरता के साथ देश में लोकतंत्र मजबूत होते रहना चाहिए। नहीं ना, आपको समय दिया था, ये ऐसा नहीं होता। मैं देख लूंगी, अगर कुछ गलत बोला है तो एक्सपेंस करूंगी। आपके इसमें भी बोला है सब कुछ, आई मीन, बट नॉट नाउ। आप नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। यस राकेश जी, क्या होता है जितेंद्र जी, हर एक बात पे बोलेंगे क्या? फाइट के बाद में, हमारे इतने बच्चे मरने के बाद में, हमने कांग्रेस को कन्विंस किया, हमने बीजेपी को कन्विंस किया, दोनों ने ये लोकसभा के अंदर में, राज्यसभा के अंदर में ये बिल पारित किया मैडम। हाउ कैन इट बिकम एन अनडेमोक्रेटिक बिल? हाउ कैन इट बिकम एन अनसाइंटिफिक बिल? सो दैट वर्ड्स हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस। दैट हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द हाउस मैडम। यस यू आई विल सी दोस टू हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ड्स मैडम। थैंक यू राकेश जी। Yes. मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब चर्चा निर्बाध रूप से हम कर सकेंगे। और इसीलिए अध्यक्ष महोदया, और मैं भी उम्मीद करती हूं, हर कोई अपने शब्द यूज करते समय बार बार ये ऐसी संधि किसी को नहीं दे, है ना? ठीक ठीक शब्द यूज करें जी। और इसीलिए हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि देश में अगर लोकतंत्र की परिपक्वता बनी रहेगी तो देश में विकास की निरंतरता और सुधार, यह प्रक्रिया भी उसके साथ साथ चलती रहेगी। महोदया, हमारे लिए देश में लोकतंत्र का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार नहीं है, हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, बल्कि हम ये मानते हैं कि किए गए कार्यों के आधार पर, विश्वसनीयता के आधार पर जनता जिस दल की भी सरकार बनाए उसको काम करने की
पूरी स्वतंत्रता मिलना चाहिए और इसीलिए हमारे लिए लोकतंत्र के मायने देश में दूसरे राजनीतिक दलों का गला घोटना नहीं है और ना ही विकास के कार्यों को अवरुद्ध करना है। और इसलिए जब देश में आपातकाल लगा तो हमने इसका पुरजोर विरोध किया था। ये एक अलग बात है कि इस विरोध के कारण देश में उस समय हमारे साथ साथ अनेकों ऐसे गैर कांग्रेसी दल हैं जिनको जेल की यातनाएं भुगतना पड़ी थी और अपने कई कार्यकर्ताओं को नेताओं को अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़ा, कई परिवार बर्बाद हुए। लेकिन जेल की उन यातनाओं से, उन संघर्षों से हमने बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि देश के नव निर्माण का हौसला अभी हमारा कम नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि तेजी के साथ ये आगे बढ़ा है। महोदया, देश में कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं इसी सदन के भीतर, लेकिन इस बार का अविश्वास प्रस्ताव हर बार के अविश्वास प्रस्ताव से एकदम भिन्न है। अभी मैं जब गल्ला जी को सुन रहा था तो मुझे लगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का कोई भी ठोस कारण नहीं है। जिन तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है, उस समय पर कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और आज वो कांग्रेस के साथ में खड़े होकर अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन और अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि बिना किसी कारण के देश में एक अच्छे काम करने वाली सरकार, जिसकी विश्वसनीयता पूरे देश और पूरे विश्व में है, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। गल्ला जी अभी कह रहे थे कि वो शाप दे रहे हैं। अरे गल्ला जी, आप तो वैसे ही शापित हो गए जैसे आप कांग्रेस के साथ में आकर खड़े हो गए। और अभी हम कैसे भूल सकते हैं, अभी अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी जी को पूरे देश ने रोते हुए देखा है और उन्होंने कहा कि वे जहर का घूंट पी रहे हैं। मैं किसी का नाम लेकर तो नहीं कहना चाहता, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि ये जहर का घूंट अविश्वास प्रस्ताव में साथ खड़े हुए किन किन राजनीतिक दलों को पीना पड़ेगा। महोदया, ये कभी नहीं हुआ कि देश में इतने भारी बहुमत के साथ कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो। ये वो सरकार है महोदया जो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के 282 और एनडीए के कुल 336 सांसदों की संख्या के साथ में देश के करोड़ों लोगों की आशा और विश्वास के साथ में बनी है। और इसके बाद भी इतने भारी बहुमत से चुनी हुई और बनी हुई सरकार के खिलाफ देश के कुछ राजनीतिक दलों का अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, वो भी ऐसे राजनीतिक दलों का जो राजनीतिक और वैचारिक रूप से हमेशा से एक दूसरे का पुरजोर विरोध करते रहे हो, यह साबित करता है कि कांग्रेस को आज भी एक ही परिवार से बनी हुई सरकार के अलावा देश में कोई भी दूसरी सरकार स्वीकार नहीं है। महोदय, आजादी के बाद के 70 सालों में आजादी के, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि वास्तव में ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये देश समझ नहीं पा रहा कि अलग अलग राज्यों में अपने खिसकते हुए जनाधार को बचाने की कोशिश है या 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
जो विजय की यात्रा चल रही किए गए कार्यों के आधार पर उसको रोकने की असफल कोशिश है, लेकिन इसका जवाब देश की जनता आने वाले समय में देगी। महोदया, आजादी के बाद के इन 70 सालों में से 48 साल तक कांग्रेस के एक ही परिवार का शासन रहा है। मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। नेहरू जी 17 साल, इंदिरा जी 16 साल, स्वर्गीय राजीव जी 5 साल, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी, जिसका क्रेडिट भी मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी को ही देना चाहूंगा, उनके 10 साल। कुल मिलाकर 48 साल आजादी के बाद के अध्यक्ष महोदया, ओनली राकेश सिंह स्टेटमेंट। अध्यक्ष महोदया, खड़गे जी क्यों इतना बेचैन हो रहे हैं मुझे पता नहीं। आप अपनी बात करो। आप इतना बेचैन क्यों हो रहे हैं? इसी परिवार के कारण कर्नाटक में आप मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाए। प्लीज प्लीज, कैसे कमेंट? ये 48 साल का शासन, खड़गे जी प्लीज, देश की आजादी के क्यों आप बार बार खड़े होते हो? 70 अच्छा सालों में अच्छा नहीं लगता मुझे। कांग्रेस को अभी भी तृप्त नहीं कर पाया है। प्लीज बैठिए राकेश जी। अध्यक्ष महोदया, लेकिन इस सदन के भीतर खड़े होकर आज हम कह सकते हैं कि इन 48 सालों में कांग्रेस ने स्कैम्स की राजनीति की है, और मात्र इन 48 महीनों में देश में हमने स्कीम्स का सुशासन दिया है। महोदया, ये सारे के सारे स्कैम वैसे तो देश के माथे पर एक काले दाग की तरह हैं, फिर चाहे वो कोल स्कैम हो, 2G स्कैम हो, टेट्राट्रैक स्कैम हो, कॉमनवेल्थ स्कैम हो, IPL स्कैम हो, या ऐसे अनेकों कभी ना समाप्त होने वाले स्कैम्स की एक श्रृंखला। और हमें ये कहते हुए अत्यंत दुख होता है, अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम, और ये कहते हुए हमको दुख होता है कि ऐसे हर स्कैम के साथ पूरी दुनिया के सामने भारत का सर शर्म से बार बार झुका है। महोदया, भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से की पीढ़ी दर पीढ़ी इस बात का इंतजार करते हुए बीत गई कि विकास की किरण कभी उनके द्वार पर, उनके दरवाजे पर आएगी। पिछले 60-70 सालों में गरीबी हटाओ के नारे तो बहुत लगे, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी, देश की मुख्यधारा से गरीब को ही हटना पड़ा, क्योंकि समाज का भावनात्मक शोषण करने का जो हुनर कांग्रेस को आता है और कांग्रेस के मित्रों के पास है, हम ऐसा मानते हैं कि उस हुनर का अनुसरण देश के किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। महोदया, देश इससे बड़ा हुनर और क्या हो सकता है कि एक ओर तो जहां कांग्रेस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर जी का तिरस्कार करती रही, उनको चुनाव हराने का षड्यंत्र करती रही, वहीं दूसरी ओर बाबा साहेब ने जिस शोषित पीड़ित समाज के लिए सारा जीवन जंग लड़ी, कांग्रेस उनका रहनुमा बनकर उनके वोट बटोरती रही। अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी कहा कि हमने स्कीम्स का सुशासन दिया है, और आज इस सदन में खड़े होकर गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में 70 सालों में योजनाएं अगर वास्तविकता के धरातल पर पहली बार उतरी हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आज अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो वर्तमान सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। आज जब इन योजनाओं की हम बात करते हैं महोदया,
तो देश में गरीब के चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखाई देती है, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हो, मुद्रा योजना हो, कौशल विकास योजना हो, और ये वो सारी ऐसी योजनाएं महोदया जिनके परिणाम की गूंज आज केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सुनाई देती है। और इसके भी अनेकों कारण है महोदया। कांग्रेस ने अपने शासन काल में देश में जनता को वोट बैंक के रूप में बांटकर रखा था, और इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने उस समय यह वक्तव्य दिया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इस सदन में खड़े होकर कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक देश के गरीबों का है, ये कहकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के विकास को एक नई दिशा दी है। नाम मैंने बोला है, किसी का नाम मत लो महोदया। आई विल नॉट गो एनीबॉडीज नेम, जो यहाँ उपस्थित नहीं है किसी का नाम नहीं महोदया। कांग्रेस भी बोल रही तो आप तो बैठो, ये बैठिए, नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड महोदया। सारे जीवन वैचारिक धरातल पर विरोध करने के बाद कांग्रेस के साथ इस तरह से आकर खड़े होना ये देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा महोदया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली हमारी एनडीए की सरकार और उसकी शासन व्यवस्था इस बात का प्रमाण है कि जाति समाज और धर्म इन सबसे ऊपर उठकर देश में बिना किसी भेदभाव के जरूरतमंदों को सरकार का सहारा मिले, इसके लिए सरकार ने जो मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, यह भी इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। और इसीलिए पूरी दुनिया आज कहती है कि अब भारत में योजनाएं भेदभाव पर आधारित नहीं है बल्कि जनता की जरूरतों के आधार पर, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर उनकी पूर्ति हो रही है। और इसीलिए आज देश कहता है महोदया, पहले की सरकारों के शीर्ष नेतृत्व तो बेल पर थे, केंद्रीय मंत्री जेल पर थे, और इसीलिए देश इस बात को कहता है, मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश को दागदार सरकार दी है। और हमें कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को भारतीय जनता पार्टी ने एक साफ सुथरी और दमदार सरकार दी है। ये साफ सुथरी और दमदार सरकार ही है जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजना का जन्म हुआ, और देश में अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए आवासों का निर्माण हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प की ताकत देखिए कि 2022 तक इस देश के हर गरीब के सर पर पक्की मकान और पक्का छत होगा, ये घोषणा भी देश के प्रधानमंत्री ने की है। महोदया, लोकतंत्र में देश में केंद्र की सरकारें इस बात के लिए जिम्मेदार होती हैं कि देश के प्रत्येक राज्य में बराबरी का व्यवहार हो, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको सुविधाएं मिलें। किसी एक राज्य, हम सारे राज्यों के लिए बराबरी का व्यवहार रखते हैं, किसी एक राज्य की मांग के आधार पर, राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर पूरे देश के हितों का बलिदान नहीं दिया जा सकता। और ये हम कैसे भूल सकते हैं, हम इस बात का प्रमाण है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यूपीए की सरकार के समय पर, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि सड़कों के गड्ढे भरने के लिए और कोयले जैसी चीज के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री को उपवास करना पड़ता था। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश में क्या हो सकती है। आज कम से कम देश में इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। और इसीलिए मैंने अभी उज्ज्वला योजना की बात की महोदया, कि देश में अगर
पहले की सरकारों ने महिलाओं के स्वाभिमान, उनके सम्मान और उनके स्वास्थ्य की थोड़ी भी चिंता की होती तो देश की गरीब महिलाओं को चूल्हा फूंक कर स्वास्थ्य खराब करते हुए जीवन नहीं काटना पड़ता। लेकिन देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णय किया, उज्ज्वला योजना बनाई और इसके कारण देश में आज 8 करोड़ ऐसी गरीब माँ बहनों का सम्मान होने जा रहा है जिनके बारे में कभी विचार नहीं हुआ। 4,78,00,000 और 10,000 से ज्यादा माताओं बहनों के चेहरों पर आज हर्ष और उल्लास की चमक दिखाई देती है जो उज्ज्वला योजना से ही उत्पन्न हुई है। महोदया, इससे अधिक दुर्भाग्य की बात देश में क्या होगी कि देश की आजादी के 70 साल बाद भी देश में 18,000 से ज्यादा गांव अंधकार में डूबे हुए थे। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था कि 1000 दिन के भीतर देश के उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी और हमें यह कहते हुए गर्व है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि लक्ष्य से 12 दिन पहले उन सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई। महोदया,